नमस्कार दोस्तों, जय जोहर। आपकी फेवरेट रॉबिन हुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि सेंट्रल प्रोविंस के चीफ कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मिस्टर इस्मे से टंट्या भील के केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं और मिस्टर इस्मे को लताड़ते हैं। इधर मिस्टर इस्मे ये जिम्मेदारी खंडवा के एसपी के स्क्रिप्टन को सौंपते हैं और स्क्रिप्टन दिसंबर 1878 को खंडवा सेंट्रल जेल से फरार हुए टंट्या भील के केस की इंक्वायरी शुरू कर देते हैं और इसके लिए वे पहुंचते हैं खंडवा सेंट्रल जेल। कहानी अब आगे। इस पर स्क्रिप्टन ने पूछा, टंट्या अचानक गायब कैसे हो सकता है? कोई तो वहां होगा आसपास, कोई तो हरकत हुई होगी। जेलर ने जवाब दिया, सर मैंने स्पॉट को अच्छी तरह चेक किया है, आसपास कोई भी औजार नहीं मिला है। स्क्रिप्टन ने पूछा, यह घटना कब घटी थी? उसने जवाब दिया, सर दिसंबर 1878 को लगभग आधी रात 3 बजे। इस पर स्क्रिप्टन ने पूछा, कमाल है जेलर साहब, रात के 3 बजे सेंट्रल जेल से टंट्या भील दीवार पर चढ़कर तुम्हें चैलेंज करता है और तुम्हारे कांस्टेबल कुछ भी नहीं कर पाए? ये राइफल्स का दिवाली मनाने के लिए दिए सरकार ने? सर हमारे कांस्टेबल शूट कर ही रहे थे, लेकिन जब टंट्या सामने आया तो हमारी राइफल्स ने काम ही करना बंद कर दिया। इससे पहले कि हम शूट करते उसने बाहर की तरफ छलांग लगा दी और फरार हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस वक्त बैरक के आसपास कौन मौजूद था? जेलर ने जवाब दिया, सर उस समय बैरक के आसपास 4 कांस्टेबल थे जो गश्त लगा रहे थे। सर वो यही है, आप चाहें तो मैं उन्हें बुला सकता हूं। इस पर स्क्रिप्टन ने कहा, हाँ ठीक है बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। स्क्रिप्टन के कहने पर जेलर ने चारों कांस्टेबल्स को बुलाया। जेलर ने एक एक करके चारों सिपाहियों से परिचय कराया। नाम जानने के बाद स्क्रिप्टन ने चारों से सवाल किया, जिस वक्त टंट्या यहां से फरार हुआ तुम लोग वहां मौजूद थे? चारों ने एक साथ जवाब दिया, जी साहब जी, हम वहीं मौजूद थे। उसके बाद स्क्रिप्टन ने पूछा, क्या तुम लोगों को उस वक्त कोई हरकत महसूस हुई? चारों ने अपना सर ना हिलाया। स्क्रिप्टन ने फिर सवाल किया, तुम लोग ठीक से याद करने की कोशिश करो, चाय तो 2 बजे आई होगी ना, और वो लोग फरार हुए थे 3 बजे, तो उस 1 घंटे के अंदर कोई तो अजीब हरकत हुई होगी। सवाल पूछने पर जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो स्क्रिप्टन काफी गुस्सा हो गए और बोले, एक बात तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, इंक्वायरी में तुम चारों में से अगर किसी का भी नाम सामने आया और मुझे पता चला कि तुमने कोई बात छुपाई है, उसके बाद मैं उसका वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता फिरेगा। स्क्रिप्टन साहब के गुस्से को देख उनमें से एक कांस्टेबल आ गया जिसका नाम था हवलदार भोलाराम। वो बोला, साहब जी इसके फली तारीख को दिन में एक शख्स बार बार टंट्या भील से मिलने की जिद कर रहा था। जब हमने उसे मिलने से मना किया तो वो पूरी जेल खरीदने की धमकी देने लगा। स्क्रिप्टन ने पूछा, यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, पर तुम लोग हो कि चुप्पी साध रखे हो, उस व्यक्ति का नाम बताओ। हवलदार भोलाराम ने जवाब दिया, साहब जी नाम नहीं बता सकते, जेलर साहब ने मना किया है। स्क्रिप्टन साहब ने जेलर की तरफ शक की नजर से देखते हुए कहा, जिस तरह से तुम उस व्यक्ति का नाम छुपा रहे हो उससे मुझे लग रहा है कि तुम भी उस व्यक्ति से मिले हुए हो, कहीं तुम भी तो इस कांड में शामिल नहीं हो, सच सच बताओ। स्क्रिप्टन के सवाल पर जेलर उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए जवाब दिया, सर बीवी बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। सर भोलाराम जिसकी बात कर रहा है वो होलकर दरबार का नामचीन आदमी है, और अगर मैंने उसके बारे में कुछ कहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी।
इस पर स्किप्टर ने जवाब दिया, बेटा अगर नहीं बताया तो नौकरी तो वैसे भी जाएगी ही। फिर स्किप्टर ने जेलर को समझाते हुए कहा, देखो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका नाम बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारा नाम कॉन्फिडेंशियल होगा, उसके सामने नहीं आएगा। जेलर ने एएसपी एचपी के स्किप्टन को जवाब दिया, सर उसका नाम कैप्टन मोहम्मद खान है, वो इंदौर होलकर दरबार के श्रीमंत शिवाजीराव होलकर के खास आदमी है, वही आए थे बस, टंट्या को एक बार देखना चाहते थे कि आखिर टंट्या बिल है कौन। सर मुझे नहीं लगता कि जो खुद डकैतों को पकड़कर जेल में डालते हैं वो मोहम्मद खान टंट्या को फरार होने में मदद करेंगे। स्किप्टन ने कहा, कौन क्रिमिनल है या नहीं इसका फैसला हम करेंगे, तुम्हारा काम है जांच में मेरी मदद करना, बस वही करो, समझ गए? जेलर ने कहा, यस सर। स्किप्टन ने जाने से पहले जेल से रघु को उस काल कोठरी की फोटोज लेने को कहा। रास्ते में रघु ने सवाल किया, साहब जी मुझे जेलर की बात सही लगती है, मोहम्मद खान इंदौर के ही नहीं बल्कि सीपी और बेरार के भी नामचीन कैप्टन है, दूर दूर तक उनकी बहादुरी की बातें होती है, वो भला टंट्या व्हील की मदद क्यों करेंगे जबकि वो खुद टंट्या को देखना चाहते थे। रघु तुमने कैसे मान लिया कि मोहम्मद खान मुजरिम नहीं हो सकते, जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति शक के घेरे में है, भले ही वो कितना भी बड़ा श्रीमंत या निजाम क्यों ना हो, हमारा काम है जांच करना अनुमान लगाना नहीं, अब अपना मुंह बंद करो और लो चने खाओ। रघु ने जवाब दिया, जी साहब जी। स्किप्टन साहब अपनी बग्घी से इंदौर दरबार पहुंच चुके थे और पहरेदार ने गेट पर उन्हें रोका, लेकिन जब उन्होंने अपना कार दिखाया तो वॉचमैन ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। स्किप्टन इंदौर के राजवाड़ा तो पहुंच गए पर उन्हें वेटिंग रूम में यह कहकर बिठा दिया कि खान साहब सभा में हैं। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद कैप्टन खान नहीं मिले तो मिस्टर स्किप्टन खुद उनसे मिलने अंदर चले गए। स्किप्टन ने अंदर जाते ही जो देखा उसे देखकर वे चौंक गए। उन्होंने देखा कि अंदर कोई सभा नहीं चल रही थी बल्कि कैप्टन खान तो आराम से सोफे पर बैठे अपनी राइफल की सफाई कर रहे थे। जब उन्होंने स्किप्टन को देखा तो वो थोड़ा चौंक गए और उन्होंने सिक्योरिटी से कहा, इस पुलिस वाले को अंदर किसने आने दिया, फौरन यहां से बाहर निकालो। इस पर स्किप्टन ने जवाब दिया, कोई आम पुलिस वाला नहीं हूं, मैं खंडवा का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एचपीके स्किप्टन हूं, वैसे भी हम ब्रिटिशर्स हैं और हमें अंदर जाने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, हम कितना भी अंदर आ सकते हैं, समझे आप कैप्टन खान? मोहम्मद खान बोले, तुम जो भी हो वारंट लेकर आओ, उसके बाद मुझसे बात करो। स्किप्टन ने कहा, सर बेहतर होगा कि हमारा टाइम वेस्ट करने की जगह हमारी मदद करें, वरना हम इतना पावर रखते हैं कि आपको 3rd degree देकर भी बात उगलवा सकते हैं। फिरंगियों से कैप्टन खान अच्छी तरह वाकिफ थे और उनके 3rd degree टॉर्चर से भी, इसलिए वे चुपचाप सोफे पर बैठ गए और उनके सवाल का जवाब देना उचित समझा। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है आप अपना सवाल पूछिए, मैं आपकी मदद करता हूं। स्किप्टन ने उनसे सवाल पूछा, खान साहब आपको तो पता ही होगा कि 1 महीने पहले दिसंबर में खंडवा सेंट्रल जेल से टंटा भील और उसके साथी फरार हुए थे। खान साहब ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है इसके बारे में। स्किप्टन फिर बोल पड़े, मैंने सुना है जब टंटा भील फरार हुआ था उस तारीख को दिन में आप वहीं पर थे, बता सकते हैं आप वहां क्यों गए थे? हिंडवा के एएसपी स्किप्टन के इस सवाल का क्या जवाब देंगे कैप्टन मोहम्मद खान? आखिर कौन सी थी वो कड़ी जिसके जरिए टंटा भील खंडवा सेंट्रल जेल से भागने में कामयाब हुए थे?
क्या दिसंबर 1878 को हुई इस घटना की गुत्थी सुलझा पाएंगे एएसपी स्किप्टन, और क्या कैप्टन खान ने सच में टंट्या मामा की मदद की थी या उस अनजान शख्स का असली चेहरा अभी पर्दे में था। सवाल कई है जिनका जवाब ढूंढना बाकी था। इन सभी सवालों के जवाब आप जानेंगे अगले एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी रॉबिन हुड सीरीज ओनली ऑन धरती आबा। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।